महाराष्ट्र 7TV में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की। वसूली कांड में फंसे एमएनएस के नेता अविनाश जाधव, 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला हुआ मुंबई में दर्ज। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अविनाश जाधव और अन्य के खिलाफ 5 करोड़ की फिरौती मांगने के आरोप में लोकमान्य तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। LT मार्ग पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता शेरिश कांतिलाल जैन, उम्र 55 वर्ष, जो मरीन ड्राइव में रहते हैं और सोने का कारोबार करते हैं, ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि बुधवार को उन्होंने वैभव ठक्कर को हिसाब किताब करने के लिए बुलाया था उसकी आभूषण की दुकान। इस दौरान उनके साथ एमएनएस नेता अविनाश जाधव और उनके ड्राइवर, उनके बॉडीगार्ड समेत 5 से 6 लोग जबरन उनके दफ्तर में घुसाए। जैन ने पुलिस में शिकायत की जिसमें कहा गया कि जाधव ने उनके कार्यालय में प्रवेश किया, उनके बेटे सोमिल के साथ मारपीट की और उसे ले जाने की धमकी दी और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने धारा 385 जबरन वसूली करने के लिए व्यक्ति को चोट के डर में डालना, 143 गैरकानूनी जमावड़ा, 147 दंगा करने का अपराध करना, 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना और 120 भी आपराधिक के तहत FIR दर्ज की है। शैलेश कांतिलाल जैन की शिकायत के आधार पर IPC की साजिश, अपराध करने की साजिश, इस मामले में पुलिस ने वैभव ठक्कर और अविनाश जाधव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई से महाराष्ट्र 7TV के लिए सादत खान की रिपोर्ट।